गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नया दिन और आज मैं जा रहा हूँ पंगना केव्स के लिए। तो अभी जाऊँगा बस का टिकट बुक करने। भाई ये यहाँ पे मेरे को एक बीच रास्ते में एक एजेंसी मिल गई, मैंने वहीं से बुक कर लिया। ग्रीन फील्ड्स करके है, 2500 रुपये ही लग रहे हैं जितना उन्होंने उसमें बोला था ना DMZ वालों ने, सेम ही है। बाकी ये मिनी वैन है, मैंने बनाना ले लिए। कितने गए? 20,000 डोंगे, 70 रुपये। छोटे छोटे टेस्टी बना रहा। मेरी 11:30 की बस है, मेरे को लगा था 1 बजे वाली लूँगा, 1 बजे वाली फुल है, 11:30 वाली मैंने ले ली। जल्दी से पैक करना है और फिर निकलेंगे। भाई बस वाले ने उतार दिया इधर नाथान हॉस्टल के पास, और मेरा हॉस्टल का रास्ता है इधर। हॉस्टल का नाम है हाहा लैंड करके कुछ है। आई गेस मेरे को यहाँ पे वापस तो आना ही पड़ेगा थोड़ी देर में पूछने के लिए, बाकी मेरे को जाना है इस साइड। चलते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन्स है। बाकी यहाँ पे हर जगह बस बुकिंग टिकट है, और भाई पहाड़ दिख गए, वेयर इन द माउंटेन्स। देखो बगल में भी पहाड़ है, और ये यहाँ पे ना केव वाला एरिया है ये पूरा। यहाँ पे बहुत सारी केव हैं, बहुत बड़ी बड़ी केव्स हैं, आप यहाँ केविंग कर सकते हो। मैं कल जाऊँगा केविंग के लिए, आज तो बस पहले हॉस्टल ही पहुँच जाऊँ यार, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी मेरा हॉस्टल यहीं पर ही होना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ। ये मेरा हॉस्टल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा प्लेस है। और यहाँ पर इन्होंने ना बताया हुआ है केव्स वेव्स का। देखो ये है सिस्टम, यहाँ पर ये जो 2 है ये है डार्क केव, कहाँ ये 5, ये है पैराडाइज केव। ये बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें करने के लिए इस वाली में है। लेकिन अगर वेदर बेकार है ना तो यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते तुम। सो वट एवर, पॉइंट ये है कि ये एक लूप जैसा भी है, ये देख रहे हो, इसको आप बाइक से कर सकते हो पूरा। तो मैं सोच रहा हूँ कल मैं यही करने वाला हूँ। भाई गुड मॉर्निंग, आज है एक नया दिन, और भाई मेरा हॉस्टल का एरिया है पीछे वाला बैक साइड, अभी आके देखा मैंने। और आज तो भाई एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है। और ये देखो भाई, तुम यहाँ पे एक नदी है, और ये ना इस पर एक्टिविटी करवाते हैं, और ये यार एक लेज जैसा है, ख़राब तो नहीं है? चला पता लगा मैं गिर गया। ओ भाई ये देखो तुम, क्या मौजा ही मौजा है इधर, तो मौजा ही मौजा भाई, इधर से तुम कूद जाओ। ओ भाई ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मेरी फैक्ट्री है। तुम ये देखो नदी, देखो इधर से, और यहाँ से तुम कूद वूद सकते हो। वहाँ पर उन्होंने देखो स्लाइड व्लाइड भी बना रखी हैं, इधर भी खाना वाना। और पता है इस वाले हॉस्टल में क्या है, सस्ता है, 70,000 डोंग, तो लगा लो तुम ऐसे 250-270 रुपये का पड़ता है ये, और इसमें ब्रेकफास्ट भी है। ऑल तो देखना पड़ेगा ब्रेकफास्ट कैसा है, उसने बोला अंडा और ब्रेड देगी वो, या तो अंडा और जैम देगी, तो मैं तो अंडा ब्रेड मंगा लिया। ब्रेकफास्ट भी आ गया भाई लोगों, ये देखो एक अंडा ऑमलेट और एक ब्रेड, और बस थोड़े से स्लाइसेस ऑफ टमेटो, नाइस यार, काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट, मी लाइक इट। और आज पता है धूप है, तो एक फ़ायदा और हो गया कि मैं डार्क केव जा सकता हूँ। उसके अंदर पानी है, डाक केव के अंदर ना तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वो थोड़ा महंगा है, लगा लो 1600 रुपये की केव है वो, और जो एक पैराडाइज केव है वो पड़ती है तुम्हें 250 की, वो 900 रुपये की। लेकिन उसमें तुम बस, उसमें पानी वानी कुछ नहीं है, तुम जाओ देखो केव को। ये मैंने सेमीन की बाइक होती है, ये स्कूटी भी नहीं है, गियर वाली है, 450 रुपये की है ये। ये मैंने ले ली है, अब बस मैं निकल रहा हूँ, उसमें पेट्रोल भरवाऊँगा, निकल जाऊंगा। यार ये बाइक ना बहुत थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे भाई क्लच नहीं है, एम्प्टी है ये, तो तुम गियर लगाते रहो और चलते रहो। याहू, भाई जा रहे हैं डार्क केव आज, भगवान की कृपा से धूप निकली हुई है, डार्क केव जाके कुछ एक्टिविटीज़ करी जा सकती है। बाकी रास्ता देखो भाई, अगल बगल में हर जगह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और मौजा ही मौजा है भाई, मौजा ही मौजा। फाइनली मुझे पीछे ब्रिज दिख रहा है, ये क्रॉस करना ही पड़ा क्योंकि वहाँ तो बहुत मिट्टी हो रही थी। अब ये बता रहा है मैप्स कि तुम यहाँ से कहीं से निकल जाओ, देखो कहीं मैं शायद मेन रोड पे निकल जाऊँगा। इस तरफ टिकट मिलेंगे, बाकी तुम अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ जाओ और जाओ अंदर, भी देखता हूँ क्या है, कितने का टिकट है, बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर टिकट मिल जाता है,
45 का ये टिकट है पूरा, जिसमें जिप लाइनिंग विपलाइनिंग सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और 50 इन्होंने मुझसे ले लिया ये लॉकर के, जो ये बोल रहे हैं कि ये बाद में दे देंगे। बाकी रखते हैं भाई सामान, और कोई बड़ा सा लॉकर मिल जाए यार। उस टावर पे जाना है जिप लाइन करने के लिए, देखो जैसे ये बंदा जा रहा है। जिप लाइन मैंने पहले भी करी हुई है वैसे तो ऑल दो, और दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। Okay, are you supervisor? Nice. Back. Thank you so. How are you? Okay, let's go. भाई ये री केव बहुत ही बड़ी लग रही है यार। और अभी तुमने देखा हम यहाँ से स्विम करके आए उस वाले एरिया से, और अब अंदर जाएंगे। और अभी तो पूरा अंधेरा रहेगा, ये देख लो मेरे सर पे टॉर्च वॉर्च लगा रखी है। इसका नाम ही डार्क केव है। मच्छी भी है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे बैट वैट भी है, सांप वाप भी है। और 5 किलोमीटर लंबी केव है, 1990 या 1992 में ढूंढी गई है। बट हम जाएंगे शायद सिर्फ 1 किलोमीटर। बाकी घर है मेरा लाइट वाइट में हेलमेट पर तो दिखी रही होगी, चालू हो गई है। बाकी भाई ऊपर देखो तुम, दिख रहा मच्छी का फॉसिल है यहाँ पे, ये एक फॉसिल शेल। भाई मेरे आगे जितने भी है ना सब लंबे लंबे है, ये तो लाइक अपने वेस्ट लेवल तक उस पर है पानी में, और मैं अपने चेस्ट लेवल तक। भाई हम एक अब एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, अब ऐसे प्रॉपर छोटे से केव का फील आएगा। लोग करते हुए ना वॉल आर्ट, देखो लोगों की वॉल आर्ट। हाँ अभी पानी वाले से जा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और लोग इधर उधर गिर गिर रहे हैं। भाई यहाँ पे ख़त्म हो गई केव, अब यहाँ पे अपने ऊपर मिट्टी लगा लो और दैट्स इट। भाई हमारे मित्र हमारे ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं। काफ़ी सही है इधर तो, हम आगे हम लोग पर मिट्टी विट्टी लगा लो मजे कर लो। बाकी यहाँ पे कई वैल्यू होती है। बहुत सही था यार, मजा आ गया। ऑलमोस्ट बाहर, अब टूर हो गया कंप्लीट। इसमें टूर गाइड भी मिलता है, अंदर तक लेके गया वो, ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई हो गया कंप्लीट डार्क केव, और अब हम जाएंगे कायकिंग करने। वो लोग तो निकल भी गए। भाई अब थोड़ी देर कायकिंग करेंगे, मेरे साथ है निकितास फ्रॉम ग्रीस। और बस देखो हमारे ग्रुप वाले तो आगे चले गए, बाकी तुम यहाँ पे थोड़ी देर कायक कर लो, ये कर लो वो कर लो, चलो 2-3 घंटे अपने निकाल लो। निकितास कर रहा है भाई, वो तो इतने अच्छे से कर रहा है, मैथ मेरे से तो नहीं हो पा रही, टफ है यार, इतना ईजी नहीं है। मैं भी थोड़ी देर में मैं खुद करके देखूँगा। गो भाई, अब मेरे को आ गया ये कायकिंग करना। ये देखो तुम्हारा भाई प्रो बन गया भाई इसमें।
कहाँ तक भी मैं कायक ले जा सकता हूँ, थोड़ा मैं इतना भी लोगों के पास जाता हूँ। इधर टर्न कर रही है, इधर टर्न कर दूंगा, इधर टर्न कर, सीधा जाना है, सीधा ले चलूंगा। Let's go. Yes. You go. Come on. कर लिया, डाक केव हो गया। अब यहाँ से मैं निकलूँगा, वैसे 12:30 बजे हैं, तुम कितनी भी देर चिल कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी इस तरफ अब मुझे जाना है लूप कंप्लीट करने के लिए। और काफ़ी अच्छा था यार कायकिंग वाइकिंग में भी, मेरे को बहुत मज़ा आया कायकिंग कर रही यार, एकदम ऐसे मज़ा आ गया। पर केव ऐसा यार, मैं सोच रहा था कि बहुत अंदर तक जाएंगे और बहुत वो करेंगे, मतलब और ज़्यादा एडवेंचर होगा, लेकिन ठीक था, पर कोई इतना तगड़ा भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। केव के अंदर का एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, पर और अंदर जाते तो मज़ा आता, पर ठीक है चलो फ़न किया ना, बाकी चलते हैं। ये रही अपनी, इसका नाम है माई बांग। मेरी जितनी भी यहाँ पे मैं स्कूटी खरीदूँगा सबका नाम माई बांग होगा। चले ये पीनट लेके आई है, कह रही है पीनट खा लो, मैंने कहा तू चिप्स खा ले भाई। पीनट बिस्किट विस्किट खाया, चिप्स विप्स खाए, तांबियत बोला और निकल के बाय बाय। जैसे मैंने बोला तांबियत हन के प्लाई, तांबियत मतलब गुड बाय, भाई वापस आ गई, बोल अपना अपना नाम बता दे, एंग और समथिंग। सही है भाई, बच्चे बच्चे।